तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गिट बैश को कैसे डाउनलोड करते हैं और उसको अपने सिस्टम पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि गिट बैश को, यानी सोर्स कंट्रोल मैनेजर SCM को हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने ब्राउजर पर और यहाँ पे लिखते हैं हम गिट बैश डाउनलोड। हम गिट बैश डाउनलोड एंटर करेंगे तो हमें पहली लिंक मिलेगी गिट डाउनलोड, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे यदि हम विंडोज यूजर हैं तो हम क्या करेंगे, इस विंडोज पे क्लिक करेंगे। ठीक, उसके बाद हमसे ये पूछेगा कि जो हमारा सिस्टम है वो, उसका माइक्रो प्रोसेसर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी 32 बिट का है या फिर 64 बिट का है। तो हम चेक कर लेंगे कि जो जो हमारा सिस्टम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे चलते हैं और विंडोज ई करेंगे और यहाँ दिस PC पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो हमें ये यहाँ पे दिखा देगा। देखिए, सिस्टम टाइप 64 बिट, ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बेस्ड प्रोसेसर। तो हम क्या करेंगे, तो जैसे ही हम 64 बिट गिट फॉर विंडोज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये गिट बैश हमें डाउनलोड होता दिखेगा। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पर। तो हम वेट करते हैं डाउनलोड होने का। मित्रों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा डाउनलोड सक्सेसफुली हो चुका है, यानी गिट बैश सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। तो हम इसको ओपन करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पे डबल क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को। उसके बाद यहाँ पे परमिशन मांग रहा है तो हम क्या करेंगे, यस करेंगे। उसके बाद हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो हमें कुछ नहीं करना, बस नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट हम सब कुछ रहने देंगे और हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक, ये इंस्टॉल हो रहा है। तो मित्रों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, कंप्लीटिंग द गिट सेटअप विजार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये कह रहा है कि व्यू रिलीज नोट्स हमें नहीं चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस विंडोज को क्लोज करते हैं, इसकी भी अब हमें नीड नहीं है, हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम जैसे ही गिट टाइप करेंगे तो हमें गिट बैश मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं। ठीक, अब इसको हम, तो जैसे हमारा गिट बैश इंस्टॉल हो जाएगा उसको हम ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो हम जानना चाहते हैं कि ये इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है, इसका वर्जन कौन सा इंस्टॉल हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक कमांड लिखेंगे, गिट और डबल डैश और वर्जन। देखिए, तो ये हमें दिखा देगा गिट वर्जन कौन सा हम यूज कर रहे हैं, गिट वर्जन 2.40.0 विंडोज 0.1। ठीक है, इस वर्जन को हम गिट बैश के इस वर्जन को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, यानी गिट के इस वर्जन को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमें इस प्रकार के इंटरफेस इंटर हो रही है तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हम एग्जैक्ट किस लोकेशन पे हैं। तो देखिए, अभी जो हमारी, अगर हम कोई भी वर्क करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा वर्किंग एरिया होगा वो कहाँ होगा, हम देखिए विंडोज ई करते हैं और सी ड्राइव में। उसके बाद जो हमारे कंप्यूटर यूजर्स में जाएंगे, उसके बाद जो हमारे कंप्यूटर का यूजर नेम होगा उसके अंदर यहाँ पे जितने भी हमारा ये वर्किंग एरिया होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर के अंदर जाके हम कुछ भी वर्क कर सकते हैं, या फिर नहीं बनाते हैं तो हमारा ये डायरेक्टली ये सी ड्राइव के अंदर यूजर, यूजर के अंदर जो हमारा यूजर नेम उसके अंदर हमारा ये वर्किंग एरिया होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि, हम नहीं जाना चाहते हैं वहां पर, हम यहीं से जानना चाहते हैं कि हमारी और लोकेशन क्या है। तो हम यहीं पे सिंपली टाइप करेंगे PWD, उसके बाद ये दिखा देगा एग्जैक्ट लोकेशन। तो जो हमारा वर्किंग एरिया है कहाँ है, सी यूजर सुनील पांडे, इस हमारा यूजर नेम है, इसके अंदर हमारा वर्किंग एरिया है। ठीक है, तो यदि हम वहां पे काम करना चाहते हैं तो देखिए MKDIR, ठीक है, MKDIR यानी मेक डायरेक्टरी, यानी हम एक फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं इस यूजर नेम यानी सुनील पांडे के अंदर, सी ड्राइव के बाद सी ड्राइव में यूजर नाम का जो फोल्डर है उसके बाद सुनील पांडे नाम का वो फोल्डर है, उसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं। किस नाम से, देखिए कस्टम, कस्टम के नाम से हम, सॉरी MKDIR
CUSTOM कस्टम के नाम से हम फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है बट अभी हमें नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, एलएस करेंगे। तो जितनी भी हमारे उस फोल्डर के अंदर जितने भी हमारे लिस्ट होंगे तो हमें दिखाई दे देंगे। तो देखिए एक हमने कस्टम जो हमने मिस्टेक कर दिया था, दूसरा हमारा फोल्डर है कस्टम। अब हम इस फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम कैसे जाएंगे, देखिए तो उसके अंदर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीडी यानी चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी क्या करना पड़ेगा, फोल्डर का नाम देंगे CUSTOM कस्टम, ठीक है। अब देखिए हम हमारी लोकेशन क्या है, कस्टम। हमारी लोकेशन कहाँ हो गई, कस्टम। यानी अब देखिए यदि हम PWD करेंगे, देखिए तो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, सी यूजर सुनील पांडे कस्टम इस फोल्डर के अंदर है। तो इस फोल्डर के अंदर हमें एक वर्किंग स्पेस बनानी है, यानी हम कुछ भी काम करेंगे तो हमारा कहाँ जाएगा, गिट लोकल रिपोजिटरी में हमें सेव करानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, गिट INIT, ठीक है, गिट इनिशियलाइज। तो ये क्या कह रहा है, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन सी ड्राइव यूजर सुनील पांडे कस्टम। यानी यहाँ पे इसने क्या किया, एक लोकल रिपोजिटरी एक इसने बना दी। यदि हम विंडो ई करते हैं और हम इस लोकेशन पे पहुंचते हैं, सी यूजर सुनील पांडे, उसके बाद हम कस्टम, देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, एक लोकल गिट रिपोजिटरी इसने इनिशियलाइज कर दिया। तो ये हमारा वर्किंग स्पेस हो गया। तो जो भी हम काम करेंगे हम इस फोल्डर के अंदर करेंगे, यानी कस्टम फोल्डर के अंदर जो हमारा गिट डॉट गिट, तो जो भी हमारा वर्किंग होगा वो कहाँ सेव होगा, डॉट गिट फोल्डर के अंदर हमारा मेंटेन होगा, ठीक है। अब हम इसको क्लोज करते हैं और देखिए अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, एक हम फाइल बनाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि हम नोटपैड में चलते हैं और ये हमारी बेसिक फाइल है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल यस करते हैं और हम इसको सेव करना चाहते हैं कहाँ, जहाँ पे हमने फोल्डर बनाया था उसके अंदर हम सेव करते हैं, ठीक है, सी ड्राइव यूजर सुनील पांडे और कस्टम फोल्डर के अंदर, कस्टम फोल्डर के अंदर हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। इस नाम से हमने क्या किया, वहां पे सेव कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब हम देखना चाहते हैं कि जो हमारा फोल्डर है कस्टम नाम से इसके अंदर क्या है, तो हम क्या करेंगे, एलएस करेंगे। देखिए जो अभी हमने फाइल बनाई वह हमें दिख रही है, यानी उसके अंदर एक ही फाइल है। अब देखिए यदि यदि हम यहाँ पे गिट स्टेटस कमांड चलाते हैं, गिट स्टेटस, देखिए ये क्या कह रहा है, अनट्रैक फाइल, यानी जो अभी फाइल है वो कहाँ है, अनट्रैक, यानी इसको अभी हम ट्रैक नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें उस फाइल को अपने स्टेजिंग एरिया के अंदर लाना पड़ेगा, यानी हमें प्यास लगी है तो हम क्या करेंगे, गिलास उठाएंगे, गिलास में पानी भरेंगे तब तो पियेंगे। हमें पता है कि हमारे रूम में पानी है, पानी भी है गिलास भी है, बट जब तक हम उस गिलास को अपने हाथ से नहीं लेंगे, उसमें पानी नहीं डालेंगे, तब तक हम पानी कैसे पियेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे जो भी फाइल है उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टेजिंग एरिया होता है जिससे कि हम फाइल में कोई भी चेंजेस होती है तो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को स्टेजिंग एरिया में ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए यदि हमें अभी हमारे पास कितनी फाइल है, एक फाइल है, तो हम क्या करते हैं, एक और फाइल, दो फाइल और बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव एज कर देते हैं और ये हमारी लोकेशन क्या है, सी ड्राइव यूजर्स सुनील पांडे और कस्टम, ठीक है। इसके अंदर हम सेकेंड के नाम से सेव कर देते हैं, ठीक। उसके बाद हम फिर एक और बनाते हैं, थर्ड के नाम से हम सेव कर देते हैं, एक और बनाते हैं, और इसको हम फोर्थ के नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी हमारे पास अभी हमें कितनी फाइलें दिख रही थी, अभी हमें एक फाइल दिख रही थी, अब हम एलएस करेंगे। अब देखिए हमें फर्स्ट वेब पेज डॉट txt, फोर्थ डॉट html, सेकेंड डॉट html, थर्ड डॉट html, यानी तीन डॉट html एक्सटेंशन की फाइल है, यानी तीन वेब पेज की फाइल है और एक हमारे पास टेक्स्ट की फाइल है, ठीक है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इसमें से केवल एक फाइल को ऐड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यानी एक फाइल को हम स्टेजिंग एरिया में लाना चाहते हैं, ठीक है। तो गिट एड
और उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी भी जिस फाइल को हम लाना चाहते हैं उसका हम नेम देंगे। यानी हम मान लीजिए सेकेंड डॉट एच टी एम एल को अपने स्टेजिंग एरिया में एड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड डॉट एच टी एम एल, ठीक है, एंटर करेंगे। अब देखिए ये फाइल एड हो चुकी है, इसको हम कैसे देखेंगे, देखिए गिट स्टेटस, ठीक है, गिट स्टेटस, यानी एक फाइल को हम देखिए ग्रीन में है तो इस फाइल को हम ट्रैक कर पाएंगे, यानी कुछ भी चेंजेस करेंगे तो हम इसको ट्रैक कर पाएंगे, तो वो हम कैसे देखेंगे देखिए। और ये जो हमारी तीन फाइल है ये अनट्रैक, यानी इसको हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे अगर कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो हम सेकेंड डॉट एच टी एम एल में देखिए अब चेंजेस को ट्रैक करना होगा, तो उसको हम कैसे करेंगे देखिए। अभी हम गिट डिफरेंस नाम का एक हमारे पास कमांड होता है, गिट डिफरेंस, तो देखिए अभी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, तो हमें कुछ भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट अभी हमने स्टेजिंग एरिया के अंदर कौन सी फाइल है, ये सेकेंड डॉट एच टी एम एल, तो हम यहाँ पे चलते हैं अपने नोट पैड पे और सेकेंड डॉट एच टी एम एल जो हमारी फाइल है, विंडो ई करते हैं और सी ड्राइव कस्टम और सेकेंड, इसको हम क्या करते हैं ओपन करते हैं अपने नोट पैड में। अब देखिए यहाँ पे हमने ये हमारी फाइल है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं H2 और इसको हम कर देते हैं H3 और इसको हम कर देते हैं H3 और इसको हम कर देते हैं सेकेंड और इसको हम कर देते हैं थर्ड, ठीक, कंट्रोल एस करते हैं। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे गिट डिफरेंस कमांड टाइप करेंगे और एंटर मारेंगे, एंटर करेंगे गिट डिफरेंस, अब देखिए इसने बता दिया कि क्या ऐड हुआ है, H1 और बटन के बीच में देखिए दो लाइन ऐड की गई है, H2 और H3, ठीक है, बट कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, तो हमें डिफरेंस है उसको हम ट्रैक कर पा रहे हैं, क्या जोड़ा गया है क्या घटाया गया। अब देखिए मान लीजिए कि हम H3 को रिमूव कर देते हैं वहां से चल के, ठीक है, देखिए H3 जो हमारा हेडिंग है उसको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हम एक बटन लगा देते हैं, एक हम पी टैग लगा देते हैं, ठीक है, पी, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं दिस इज ए डेमो पर्पज, ठीक है, अब इसको हम कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है, अब देखिए अब यदि हम गिट डिफरेंस करते हैं डिफरेंस, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है H1 H2 और P, ठीक है, H3 को हमने हटा दिया है, ठीक है, तो जो भी चेंजेस हम कर पा रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं ट्रैक कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यदि हम फोर्थ फाइल में कोई चेंजेस करेंगे तो उसको हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे, यानी इन तीनों फाइलों में अगर हम कोई चेंजेस करेंगे तो हम इसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको हमने अपने स्टेजिंग एरिया में ऐड नहीं किया गया है। अब देखिए अभी तो हमने केवल एक फाइल को ऐड किया था, तो क्या अगर हमारे पास यहाँ पे सैकड़ों फाइल होगी तो क्या हम उसको वन बाई वन ऐड करेंगे, नहीं, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है गिट ऐड और डॉट, ठीक है, गिट एड डॉट जैसे हम एंटर करेंगे तो ये किसके लिए होता है ऑल, यानी सभी फाइलों को, जब हमारी देखिए अभी हम फाइल को देख लेते हैं ls और देखिए यहाँ पे अभी हमारे पास कितनी फाइल है 1 2 3 4, ठीक है, तो जैसे ही हम गिट एड डॉट करेंगे तो ये क्या करेगा सारी फाइलों को ऐड कर देगा, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे गिट स्टेटस, ठीक है, देखिए हमारे पास स्टेजिंग एरिया में कितनी फाइल आ गई है, चार फाइल आ गई है, जब यदि हम इसमें किसी फाइल में चेंज करेंगे तो हम उसको ट्रैक कर पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं चेंजेस करते हैं, देखिए फोर्थ में हम क्या करते हैं हम हेडिंग को हटा देते हैं, ठीक, कंट्रोल एस, अब देखिए फर्स्ट वेब पेज पे हम क्या करते हैं, ये कह रहा है ये नहीं है तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, अच्छा फर्स्ट वेब टेक्स्ट फाइल है इसको हम एडिट कर लेते हैं यहाँ पे, अब इसको हम क्या करते हैं कंट्रोल एस, उसके बाद जो हमारी थर्ड फाइल थी इसको हम ओपन करते हैं, अब इसमें हम क्या करते हैं एक स्पैन टैग लगा देते हैं, इस पे हम लिख देते हैं हेलो, ठीक है, तो अब देखिए कंट्रोल एस, अब जो भी हमने चेंजेस किया है हमने चारों फाइल को ऐड कर दिया है अपने स्टेजिंग एरिया में, तो जो भी चेंजेस होंगे हम उसको हम ट्रैक कर पाएंगे, देखिए मॉडिफाई मॉडिफाई मॉडिफाई, यानी फर्स्ट वेब पेज डॉट सी टेक्स्ट फोर्थ डॉट और तीन, यानी तीन फाइल में हमने चेंजेस कर लिया, एक फाइल में हमने चेंजेस नहीं किया है, तो हम क्या कर रहे हैं उसको ट्रैक कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो रही बात ट्रैक करने की, ठीक है,
अब देखिए, उसके बाद जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, यानी उसको सेव करना पड़ता है। यानी जैसे हम यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं तो उसको हमें सेव करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जो भी काम हम अपने स्टेजिंग एरिया में करते हैं उसको हम उस उसको हमें क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ता है, कोड को कमिट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गिट। अब देखिए, हमें कमिट सारी फाइलों को करना है, तो ए ऑल के लिए, उसके बाद हम मैसेज देंगे, उसके बाद एम मैसेज, उसके बाद हम कमिट करने के लिए गिट कमिट डैश ए और एम मैसेज, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज टाइप कर देंगे। तो हम टाइप कर देंगे फर्स्ट कमिट, ठीक है, उसके बाद हम एंटर करेंगे। ठीक है, अब देखिए, हम गिट बैश को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो ये हमसे पूछ रहा है, ऑथर आइडेंटिटी अननोन, यानी हम नहीं पहचानते हैं ऑथर को। प्लीज टेल मी हु आर यू, रन गिट कॉन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, उसके बाद गिट कॉन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट नेम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले बताना पड़ेगा कि हम कौन हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, गिट कॉन्फिग कॉन्फिग ग्लोबल, गिट कॉन्फिग ग्लोबल, यानी हम इस क्या करते हैं, ग्लोबली सेट कर देते हैं अपने पीसी के लिए। ठीक है, जब भी हमें किसी भी रिपोजिटरी में हम काम करेंगे तो हमें बार बार यूजर डॉट ईमेल यूजर डॉट नेम, यानी हमसे नहीं पूछेगा कि आप कौन हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ग्लोबली सेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे यूजर डॉट ईमेल, उसके बाद डबल कोट के अंदर हम अपनी ईमेल दे देते हैं, gmail.com, एंटर देते हैं। उसके बाद गिट कॉन्फिग यूजर डॉट नेम, ठीक है, एंटर। ठीक, अब देखिए, इतना काम हमने कर लिया। अब हमने काम है, हमें कमिट करना था, तो हम क्या कहते हैं, कमिट करेंगे। देखिए, चार फाइल चेंज इंस्ट्रक्शन क्रिएट मोड दिस। ठीक है, अब हमने कमिट तो कर लिया, हमने कमिट कहाँ किया, लोकल रिपोजिटरी में कमिट किया। ठीक है, लेकिन लोकल रिपोजिटरी में कमिट किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिमोट रिपोजिटरी में इस कोड को पुश करना पड़ेगा, यानी इस फाइल को हमें कहाँ पहुंचानी पड़ेगी, जो भी हमारे चेंजेस हैं या फिर जो हम फर्स्ट टाइम अब अपनी फाइल को पुश करना चाहते हैं रिमोट रिपोजिटरी पे, लोकल रिपोजिटरी से रिमोट रिपोजिटरी पे पहुंचाना पड़ चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस कोड को पुश करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, गिट, अब यदि हम गिट स्टेटस देखेंगे तो अब हमारे पास जो भी हमें काम ने हमने काम किया था उसको हमने क्या किया था, सेव कर दिया था। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, यानी अब कोई भी काम कमिट करने के लिए नहीं बचा है। जो भी काम था उसको हमने लोगों ने यहाँ पे चार फाइल चेंजेस इंसर्शंस, तो उसको हमने कमिट कर दिया है, लेकिन अब स्टेजिंग एरिया में कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं है। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पुश करेंगे रिमोट रिपोजिटरी में। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हमारे पास एक रिमोट रिपोजिटरी है, कौन सी, प्रैक्टिस के नाम से। ठीक है, तो इसको हम ओपन करते हैं, तो इसमें अभी देखिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो जो हमारा रिमोट रिपोजिटरी का लोकेशन है कहाँ है, ये हमारा यूजर नेम है और ये यूआरएल है। ठीक, ये यूआरएल है, ये यूजर नेम है और ये हमारे रिपोजिटरी का नाम है प्रैक्टिस डॉट गिट, और ये हमारा कमांड है गिट रिमोट एड, और ये इसका एलियाज है, किसका, जैसे कि यदि हम अपने सिक्वल सर्वर में या फिर कहीं पे एलियाज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम को हम एलियाज कर देते हैं एज ए नेम। ठीक है, तो उसी प्रकार इस पूरे यूआरएल को, हमें बार बार टाइप ना करना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक नेम दे देते हैं, एलियाज कर देते हैं। तो इसी एलियाज से हम क्या करेंगे, अपने रिमोट रिपोजिटरी में हम पुश कर देंगे, यानी इसमें हमने सेट कर दिया क्या, हमने पूरा यूआरएल को। ठीक है, तो अब हम गिट रिमोट एड और ये लोकेशन देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, अब कोड को पुश करने जा रहे हैं। तो गिट रिमोट एड, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओरिजिन, यहाँ पे हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ओरिजिन https:// उसके बाद गिट हब, इतना सबका सेम होता है। ठीक है, ये हमारा कमांड हो गया, यहाँ से यहाँ तक गिट रिमोट एड, उसके बाद ये हमारा यूआरएल हो गया, ये हमारा एलियाज हो गया, उसके बाद ये हमारा यूआरएल हो गया। ठीक है, उसके बाद अपना यूजर नेम देंगे, तो यूजर नेम हमारा कौन सा है, RHT9454। ठीक है, उसके बाद हमारे रिपोजिटरी का नाम, तो हमारे रिमोट रिपोजिटरी का क्या नाम था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस डॉट गिट। ठीक है,
हमारे रिपोजिटरी का क्या नाम है हम देख लेते हैं। देखिए हमारे रिपोजिटरी का क्या नाम है, प्रैक्टिस डॉट गिट, ठीक है। अब इस पे जैसे हम एंटर करेंगे तो फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, हमसे पूछे ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा, नहीं तो हम तो किसी के रिमोट रिपोजिटरी में हम अपने कोड को पुश कर देंगे। तो उसके लिए ये क्या करेगा, पहले हमें ऑथेंटिकेट करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा उसके बाद हमें परमिशन देगा। देखिए तो ये इसमें हमने सेट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पुश करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करने पड़ेगा, गिट पुश डैश यू, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे कि हमारा जो यूआरएल है वो कहाँ है, किस यूआरएल पे पुश करना है, ठीक है। तो हम ये नाम देंगे ओरिजिन, ठीक है। अब उसके बाद ब्रांच का नेम दिया जाता है, तो हम अभी किस ब्रांच में काम कर रहे थे, मास्टर ब्रांच में काम कर रहे थे, मास्टर। अब जैसे एंटर करेंगे देखिए अब ये क्या करेगा, हमें ऑथेंटिकेट करेगा। देखिए आ गया ऑथेंटिकेशन, तो हमें इस पे साइन इन विथ योर ब्राउजर इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें क्रोम पे लेकर जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे जाएंगे देखिए वहां पे हमने क्लिक किया और हम ऑथेंटिकेट हो गए, यानी कोड को पुश करने के लिए ऑथराइज हो चुके हैं। तो इन्यूमरेटिंग ऑब्जेक्ट यानी 5 डन, ये हमारा दिखाया, ठीक है। अब देखिए अब हम चेक करते हैं कि जो हम रिमोट रिपोजिटरी हमने ये यूज किया है, क्या हमारा यहाँ पे कोड गया है, स्टेटस तो डन दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे चलते हैं क्रोम पे और हमारी जो रिपोजिटरी है इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। देखिए जो भी फाइल थी हमने क्या किया, पुश कर दिया है, ठीक है। और ब्रांच हमारा कौन सा है, मास्टर, जो कि अभी एक ब्रांच है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक करना चाहते हैं इसका लॉग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, गिट लॉग, ठीक है। अब देखिए कमिट आईडी उसके बाद दिस दिस, यानी ब्रांच मास्टर ओरिजिन मास्टर, यानी ओरिजिन यूआरएल और मास्टर ब्रांच, ठीक है। अब देखिए ऑथर सुनील पांडे, ईमेल आईडी दिस, डेट वेडनेसडे दिस, ठीक है। फर्स्ट कमिट जो हमने कमिट का नाम दिया था, फर्स्ट कमिट, इतना हो गया। अब देखिए ये तो था हमारा बाय डिफॉल्ट, लेकिन हम चाहते हैं किसी दूसरी ड्राइव में कोई फोल्डर बनाना, वहां पे हम वर्क काम करना, तो उसको हम कैसे करेंगे। देखिए यदि हम चाहते हैं इसको क्लियर करना, जो भी हमने लिखा है इसको क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लियर, ठीक है। इससे हमें क्या हुआ, क्लियर हो गया जो भी हमने लिखा था। अब देखिए हम ड्राइव मूव करना चाहते हैं, तो हमें चेंज डायरेक्टरी सीडी, और हम कहाँ जाना चाहते हैं, विंडोज ई। देखिए जो हमारी पीसी है इसकी लोकेशन क्या है, कितने ड्राइव है, सी डी ई एफ, तो हम चाहते हैं एफ ड्राइव में जाना, तो उसमें हम कैसे जाएंगे, देखिए एफ लिख के कोलन और एंटर, तो हम कहाँ पहुंच गए, एफ ड्राइव में पहुंच गए, ठीक है। अब एलएस करेंगे तो हमें यहाँ पे जितने भी फोल्डर होंगे वो हमें दिखाई दे देगा, तो हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं एम के डी आई आर, और फोल्डर का नाम देंगे जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो फॉर हम फोल्डर का नाम देते हैं फॉर टेस्टिंग, फॉर टेस्टिंग। यदि देखिए हम स्पेस देना चाहते हैं तो उसको उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एज ए स्ट्रिंग ऐसे लिखना पड़ेगा, फॉर टेस्टिंग। यदि हम केवल एक ही में लिखना चाहते हैं विदाउट स्पेस के, तो हम ऐसे लिख सकते हैं टेस्टिंग, ठीक है। तो अब हम एलएस करेंगे, देखिए तो ये हमारा फॉर टेस्टिंग नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया, बट अभी एग्जैक्ट लोकेशन हमारी क्या है, एफ ड्राइव में है, तो हम इस फोल्डर के अंदर नहीं गए हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज डायरेक्टरी और फोल्डर का नाम देंगे टेस्टिंग, ठीक है। अब हम इस पे भी हमें काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिट इनिट, ठीक है, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, ठीक है। तो हम इस पे क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, इसको हम सेव एज कर देते हैं। अब इसको हम कहाँ सेव करेंगे, अब हम इसको सेव करते हैं एफ ड्राइव में, ठीक है, एफ ड्राइव में जो हमने फोल्डर बनाई थी फॉर टेस्टिंग के नाम से। अब यहाँ पे हम सेव करते हैं test1.html, ठीक है। अब हमने एक फाइल सेव कर ली, अब हम यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं कि फाइल जो है हमारी कितनी है, देखिए इसमें एक फाइल है, उसको हम ऐड करना चाहते हैं, गिट ऐड, एक ही फाइल है तो हम उसको क्या कहते हैं, गिट ऐड डॉट डॉट एंटर, ठीक है। अब देखिए एलएस करेंगे, नहीं गिट स्टेटस, देखिए एक फाइल हमारी कहाँ, स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है। अब हम इस फाइल को क्या करते हैं, कमिट करना चाहते हैं, तो गिट कमिट एम
और हम क्या करेंगे, मैसेज दे देंगे टेस्टिंग कमिट, ठीक है, एंटर। इसको हमने कमिट कर लिया। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, अपने रिमोट रिपोजिटरी पे पहुंचाना चाहते हैं, तो यदि हम इसी रिपोजिटरी में पहुंचाना चाहते हैं तो इसी रिपोजिटरी का नाम देंगे, यदि हम किसी दूसरी रिपोजिटरी में पहुंचाना चाहते हैं तो दूसरी रिपोजिटरी का नाम देंगे। तो हम नई रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और न्यू रिपोजिटरी, और उस रिपोजिटरी का हम नाम रख देते हैं यहाँ पे टेस्टिंग और यहाँ पे क्रिएट। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, पब्लिक बनाया है, ठीक है। तो पब्लिक बनाया है तो इसको कोई भी हम इस यूआरएल को देंगे तो उस इसके थ्रू इसको रीड कर सकता है, यानी इस रिपोजिटरी को एक्सेस कर पाता है, कर पाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट बनाते हैं तो वो कोई दूसरा पर्सन इस रिपोजिटरी को नहीं देख पाएगा। तो जो हमारी गिट रिमोट रिपोजिटरी का लोकेशन इस यूजर नेम के अंदर टेस्टिंग गिट के नाम से है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, गिट रिमोट एट https। अब हमें नाम देना पड़ेगा ओरिजिन और https github.com/rst9454। उसके बाद रिपोजिटरी का हमारे नाम था टेस्टिंग डॉट गिट, टेस्टिंग डॉट गिट, एंटर करेंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कोड को पुश करेंगे, गिट पुश डैश यू, उसके बाद ओरिजिन मास्टर, ठीक है, एंटर। अब देखिए इस बार हमसे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट कोड पुश हो गया। केवल फर्स्ट टाइम हम उसको ऑथेंटिकेट कराते हैं, उसके बाद हम और हमें ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होगी, हम अपने इस सिस्टम से डायरेक्ट कोड को पुश कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे देखते हैं, देखिए test1 HTML जो कि कोड हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो मित्रों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रांच बनाना, नया ब्रांच बनाना, अलग अलग ब्रांच पे हम कैसे काम करते हैं, अलग ब्रांच को हम कैसे एक दूसरे में मर्ज करते हैं, कैसे एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जाते हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि गिट बैश का बेसिक कमांड था जो हमने सीख लिया है। यदि फिर भी कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप आउट कर सकते हैं।